हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अंबिका। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप लहसुन से कैसे पता करने वाले हैं आपका जो बच्चा है वो लड़का या लड़की है। बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे कि आप इजीली घर बैठे आपकी बेबी का जेंडर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में इतने सारे हार्मोनल चेंजेस हो जाता है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों, आपको लहसुन से कैसे पता करना है, चलिए हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, लहसुन से आप दो तरीके से पता कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहला सिंपल तरीका, आपको लेना है लहसुन की 1 से 2 कलियाँ और आपको उसको थोड़ा मसल के इसका स्मेल लेना है, क्योंकि लहसुन आपको इसे फील नहीं होता है, लेकिन अगर आप मसल के उसको स्मेल लेंगे तो अगर आपके नाक में वो लग रहा है स्मेल, इट मीन्स आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है और वहीं पर उसका स्मेल इतना आपको फील नहीं हो रहा है, उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये एक बेबी बॉय होने का साइन है। दूसरा, आपको मॉर्निंग का पहला यूरिन लेना है। मॉर्निंग का पहला यूरिन के साथ आपको एक से एक में एक लहसुन डालना है, एक में दूसरी लहसुन डालना है, 2 बाउल में 2 यूरिन लेना है और आपको दोनों में एक एक लहसुन की कली डाल देना है। उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि कौन सी लहसुन की कली में से ज़्यादा मतलब आपको प्रॉब्लम, आपको बदलाव दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसमें झाग आता है, बबल्स आता है। ऐसा अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है और वहीं पे उसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है तो आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिससे आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी ऐसे अगेन पमड़ी वीडियो के साथ, तब तक लेटे करिए, लव यू, बाय।